नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृतनामा में डॉक्टर विशाल शर्मा आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के विषय में बताऊंगा जो आयुर्वेद में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जो बहुत इसके जो फॉर्मूले हैं वो इतने ज़्यादा सटीक हैं कि आयुर्वेद में इसके आधार पर बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं और बहुत सारी घरेलू चिकित्साएँ भी होती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है चक्रदत्त। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चक्रदत्त के विषय में, चक्रदत्त नाम की इस बुक के विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण बुक है। महत्वपूर्ण क्यों है इसके विषय में मैं अब आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इस किताब के एक संक्षिप्त इतिहास में आपको बताता हूँ कि इस किताब का इतिहास क्या है और कैसे इसको रचा गया, कैसे इसका उद्भव हुआ। पहले तो आपको मैं आचार्य चक्रदत्त के विषय में बताता हूँ कि चक्रदत्त कौन थे, ये कैसे उन्होंने किताब लिखी। तो इनका एक संक्षिप्त जीवनी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिस्प्ले पर लिखा हुआ है, ग्रंथकार का परिचय दिया हुआ है। ग्रंथकार ने अपने परिचय ग्रंथ में अंत में स्वयं दिया है, जैसे कि दिया हुआ है, ये गौणाधिपति यानी संप्राप्ति नारदी वर्धमान आदि जिला के अधिपति नेपाल नामक नरेश जो है इनके मंत्री थे। इनके मंत्री तथा भोजनालय के निरीक्षक यानी इनके भोजन का जो निरीक्षण करते थे, क्योंकि पहले जब भी किसी राजा का कोई भी भोजन बनता था तो पहले वैद्य जाकर उसे निरीक्षण करा करता था, तो वहीं से इनकी शुरुआत हुई। भोजन निरीक्षक श्री नारायण दत्त के पुत्र, नारायण दत्त जो थे उनके पुत्र थे श्री चक्रदत्त। नारायण दत्त के पुत्र उनके भाई का नाम भानु दत्त था। उनका जन्म दत्तक वंश में हुआ था, अर्थात चक्रमणि दत्त नारायण दत्त के पुत्र और भानु दत्त के छोटे भाई थे, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में व्याप्त होता है। इसके बारे में श्लोक भी दिया हुआ है जो स्वयं ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में कहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि इनके जो काल है क्या है। काल का एग्जैक्ट तो वर्णन नहीं है, लेकिन इनके पिताजी को जो वर्णन मिलता है 11वीं शताब्दी के आसपास मिलता है, तो माना जा सकता है कि 11वीं शताब्दी का इनका काल रहा होगा। अब दोस्तों, इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। देखो दोस्तों, बात यह है कि चक्रदत्त एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने ग्राम शहर जहाँ जहाँ वो जाते थे तो ग्रामीणों से जो घरेलू चिकित्सा होती है, घरेलू चिकित्सा का क्या रूप है, तो उसको वो लिपिबद्ध करते थे और उसको अमल भी किया करते थे। एक अच्छे वैद्य साबित हुए, तो ग्रामीण भाषा का जो उपयोग उन्होंने श्लोकों में और अच्छी तरह से उसको उपयोग किया है वो वास्तव में पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए हमको। तो बात यहीं से शुरू होती है, जैसे कि इन्हें लिखा भी हुआ अपनी किताब में देख सकते हैं। इस ग्रंथ में छोटे योग अधिकतर ग्रामीण जनता के मुख से निकलते हुए रहते हैं। पहले तो आश्चर्य होता था कि ग्रामीण कितने ही भावी औषधियों को जानकारी रखते हैं, किंतु मूल स्रोत का पता नहीं चलता। चक्रदत्त की समीक्षा करने पर भी इनके सभी ग्रामांचल और सप्रसिद्ध योग अनुभूत होने लगे। इससे चक्रपाणी की विशिष्ट चिकित्सा, जन कल्याण भावना, ग्रामांचल योग चिकित्सा, योग्य चिकित्सा और अल्प व्यय साधन चिकित्सा फूट कर सामने आती है। कुछ छोटे योगों के नमूने इस प्रकार हैं, जैसे कि इनमें बताया गया नमूने, सदही की जड़ के पुष्य नक्षत्र से निकाल कर बांधने पर अपची नाम का रोग दूर हो जाता है। तो ये विशेषता विशेष रूप से ग्रंथ की है। और इस ग्रंथ में एक तरह से मान के विषय में भी बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। किस मान के विषय में इसमें जो भी वर्णन मिलता है, यानी मान मतलब जो भी आयुर्वेदिक मान होते हैं, आजकल हम आधुनिक मान यूज़ करते हैं, मगध मान का सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, उसमें भी सबसे ऐसा ही मान है जो आपका जो स्टैंडर्ड मान है उसको हम लेते हैं, ग्राम किलोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम बाकी कोल पल इनमें बात ज़्यादातर करते नहीं है, लेकिन इन्होंने बात की है। पुरानी शैली है तो समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज की डेट में जो ग्रंथकार हैं जिन्होंने इसकी टीका की है और इस ग्रंथ को इसको ट्रांसलेट किया है, तो उन्होंने पूरी भाषा को एक सरल भाषा में बना दिया गया है। विशेष रूप से इस ग्रंथ का जो सार है वो ये है कि हर रोग, जितने भी रोग हैं, जो सबसे ज़्यादा रोग चले आ रहे हैं प्राचीन समय से, जो उस समय जो रोग होते थे वो आज भी हैं, पर उनका रूप बदल गया है और मॉडर्नाइज तरीके से हम उसको बोलते हैं, पर रोग वही थे, ज्वर वही था, ज्वर के भी जो लक्षण बताए गए हैं वही थे, काश ही वही है जो आज है। तो चाहे रक्तपित्त हो, चाहे गुल्म हो, वो सब आज भी है, लेकिन नाम बदल गए हैं, लेकिन रोग वही हैं। तो उनकी चिकित्सा अलग अलग रोग के अनुसार उन्होंने चिकित्साएं बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको वैशेष रत्नावली का भी एक बार रिव्यू किया था, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हर बीमारी का एक योग बताया, उसमें कई मेडिसिंस बताई, घरेलू चिकित्सा भी बताई। तो वो सब चीज़ें वैशेष रत्नावली तो एक बड़े लेवल की किताब है। और चक्रदत्त मुझे पर्सनली उससे भी अच्छी लगी, क्योंकि चक्रदत्त के जितने फॉर्मूले हैं सब बिल्कुल कागार हैं, मतलब बिल्कुल आप उसको प्रयोग कर सकते हैं आंख बंद करके, वो सफल आदमी होगा ही। उसके जितने भी योगों को आप पढ़ेंगे तो वास्तव में उस सारे योगों में
एक आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन दिया है और बहुत घरेलू तरीके से आप काली मिर्च से भी ठीक हो सकते हैं, आप एक चावल के माड़ से भी ठीक हो सकते हैं, आप चावल से ठीक हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा विस्तार से इसमें किताबें पढ़ने मिलता है और बहुत घरेलू तरीके से। इसके बाद मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन तो वो बताते ही हैं कि भाई इसका उपयोग यहाँ, इसको उपयोग यहाँ, उसको वहाँ, क्योंकि जो कि मैंने आपको ग्रंथ के पहले ही बता दिया कि ग्रामीण भाषा का उपयोग किया हुआ है और ग्रामीण भाषा को चक्रदत्त ने अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है। तो वास्तव में चिकित्सा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किताब अपना एक अलग स्थान रखती है, तो और बहुत सरल भाषा में। तो अब दोस्तों अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमको किस प्रकाशन का चक्रदत्त पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको कुछ प्रकाशनों की चक्रदत्त दिखाता हूँ, आपको देखिए समझिए, उसके बाद आपको लगे तो आप अपने लिए मंगा सकते हैं किताब और पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। वैद्य भी पढ़े, वैद्य तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ चक्रदत्त, मेरे पास चक्रदत्त है, ये वैद्य रविदत्त त्रिपाठी शास्त्री की है और इसमें जो पदार्थ इसमें लिखा हुआ है पदार्थ बोधनी हिंदी व्याख्या सहित पदार्थ बोधनी और चक्रपाणि दत्त विचित चक्रदत्त। इसके ये जो प्रकाशन है चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है, देख सकते हैं आप चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी से ये प्रकाशित होती है पंडित, देख सकते हैं, और चौखंबा पब्लिकेशन हाउस इसको प्रकाशित करता है साथ में। और इसकी जो प्रिंटिंग वाइज देखें तो प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, चौखंबा पब्लिशिंग हाउस की प्रिंटिंग वास्तव में अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, योग वगैरह सब इसमें अच्छे से दिए हुए हैं, सरल भाषा में उन्होंने इस किताब को निकाला है। पर्सनली देखा जाए तो किताब मुझे ये बहुत अच्छी लगी, कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ये तो सभी किताबों में आपको मिलेगा। तो ये एक तो रीजनेबल किताब है, इसका रेट जो है इस पर जो रेट डला हुआ है 250 रुपये के आसपास में रेट डला हुआ है, और बाकी आपको जो डिस्काउंट मिल जाए चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से या आपको डीलर से वो एक अलग है। तो इस किताब को पढ़ सकता है चाहे वो कोई वैद्य हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी आयुर्वेद का व्यक्ति ना हो, वो भी इस किताब को पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर मैं दिखाऊँ तो डॉक्टर एक चतुर्दत्त और है, डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी की, डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी की चक्रदत्त। ये पर्सनली मैंने इसको पढ़ा और काफ़ी इसमें आप इस किताब की हालत देख सकते हैं, इसको मैंने पर्सनली बहुत पढ़ा और इसमें काफ़ी योग मैंने निकाले, इसमें अलग से वर्णन भी दिया हुआ है। और इसकी हालांकि प्रिंटिंग देखा जाए तो उतनी साफ सुथरी नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे किताब जो बहुत अच्छी लगी और मैंने पढ़ा और एक एक योग इसमें से निकाला, और कई बार मुझे कुछ योग बनाना होता है तो मैं इस किताब से बनाता हूँ। तो ये चौखंबा इंद्रदेव त्रिपाठी के चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी की किताब है, ये देख सकते हैं चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी की किताब है, सविमर्श वैद्य प्रवाह हिंदी व्याख्याओं सहित, अब देख सकते हैं कि सविमर्श वैद्य प्रवाह हिंदी व्याख्या सहित व्याख्याओं है इसका, और आज इसके संपादक है आचार्य रामनाथ द्विवेदी जी हैं और इंद्रदेव त्रिपाठी हैं, दोनों वैद्य अपने आप में एक बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। तो डॉक्टर सत्यदेव दुबे ने इसका परिशिष्टाकार किया हुआ है, तो ये किताब भी आप मंगा सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग देखा जाए, कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें 325 के लगभग इसकी कॉस्टिंग है, और अभी तो इसके रेट और बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा है उस किताब से इसका, जो मैंने आपको इंद्रदेव की जो आपकी रविदास शास्त्री की दिखाई उससे ये थोड़ी किताब महंगी है, पर किताब बहुत अच्छी है जी, आप इसको पढ़ सकते हैं, हर तरह का व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। और मैंने भी किसी वैद्य के यहाँ ये देखी थी, इसी वजह से मेरी प्रेरणा जागी। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों चक्रदत्त, जो केवल मूल मात्र है, केवल मूल मात्र इसमें केवल आपको संस्कृत मिलेगी, ये है आपका राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संपदा संस्थान यानी आपके जो NCIM की किताब है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंगाई हुई है ये किताब, हैदराबाद से ये प्रकाशित होती है, ये गवर्नमेंट का ही लोगो है, देख सकते हैं आयुष का लोगो लगा हुआ है इस पर, गवर्नमेंट की है, इसमें जितने भी योग दिए हैं उस पूरे संस्कृत में दिए हुए हैं, संस्कृत हैं, थोड़ा बहुत इसमें आपको इंग्लिश मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, किताब अच्छी है, पर इसको मंगाने के लिए आपको थोड़ा सा आप इसके कुछ प्रोटोकॉल हैं किताब के, गवर्नमेंट के रेट में आपको किताब मिलेगी, और देख सकते हैं इसका प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है, पर ये बहुत हाई लेवल की किताब है, पर ये बिल्कुल देख सकते हैं प्रिंटिंग इसकी, पर ये बहुत हाई लेवल की किताब है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश में दी हुई है, और थोड़ा सा भाषा शैली देखा जाए सरल है इसकी,
इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और कभी भी कोई गवर्नमेंट किताब निकालती है तो ऐसे नहीं निकालती, तो ये गवर्नमेंट के ही प्रोटोकॉल में ये किताब चली है, तो उसको आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं NCIM की साइट पर जाना पड़ेगा, आप खुद खरीदनी पड़ेगी, तो ले सकते हैं। अब चौथा ऑप्शन जो चक्रदत्त का है वो मेरे पास ये है, यह पूरी संस्कृत इंग्लिश में है, ये बहुत अच्छी किताब है, ये चौखंबा कृष्णदास एकेडमी की किताब है, ये चौखंबा कृष्णदास एकेडमी अपने आप में ही एक अच्छा प्रेस है, कोई इसमें कोई वाराणसी से ये पब्लिश होता है, इसके जो एडिटर हैं वो आपके डॉक्टर मधम शेट्टी सुरेश बाबू हैं, MD आयुर्वेद दिखा हुआ है चक्रदत्त। ये पूरी बुक जो है पूरी इंग्लिश में है, देख सकते हैं आप, इंग्लिश की प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी किताब है जी, संस्कृत और इंग्लिश में। मैं अगर इंग्लिश में कोई मुझसे कहेगा कि भाई कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि भाषा बहुत सरल है, सिंपल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो गवर्नमेंट की किताब है वो भी ले सकते हैं, पर वो थोड़ा सा और हाई लेवल की किताब है। बाकी मैं कहता हूँ कि अगर कोई छात्र या कोई वैद्य केवल आप हिंदी में इसको प्रॉब्लम है, वो संस्कृत और इंग्लिश में इसको पढ़ सकता है, देख सकता है और उसको इस पर सारे फॉर्मूले बना सकता है, तो ये किताब आप मंगाएं। कॉस्टिंग देखा जाए तो कॉस्टिंग में इसकी 1000 रुपीज़ के आसपास ये किताब पड़ती है, पर आपको जो डिस्काउंट मिल जाए वो अलग है, पर ये बहुत कॉस्टली है। अभी तक जितनी जितनी चक्रदत्त मैंने बताई सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही किताब है, तो लेकिन किताब बहुत अच्छी है, इंग्लिश में है लेकिन भाषा शैली इसकी वास्तव में बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक किताब और है जो आपकी खेमराज कृष्णदास एकेडमी से प्रकाशित होती है, चक्रदत्त, आप देख लीजिए डिस्प्ले पर, वो किताब भी पर्सनली मैंने देखा, कम बजट की किताब है, आराम से ले सकते हैं आप, अच्छी किताब है, उसको भी प्रिंटिंग वाइज हो सकता है थोड़ा सा आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन फॉर्मुलेशन वगैरह वो ही इसमें दिए हुए हैं, और खेमराज कृष्णदास एकेडमी बम्बई तो सबसे ज़्यादा फेमस प्रेस है आयुर्वेद के क्षेत्र में और पुराणों और साहित्य के क्षेत्र में, तो आप वो किताब भी मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताबें लगभग सारी अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कह सकता किताबें कोई कम होती है या ज़्यादा, बस ये किसी की व्याख्या भाषा शैली का थोड़ा सा अंतर आता है, पर कंटेंट आपको वही मिलेगा जो मूल चक्रदत्त में है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये आपको चार बुक पांच बुक आपको मैंने दिखाई चक्रदत्त की, इनमें से आपके अनुसार जो आपको लगती है सूटेबल वो आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। मैं उसका लिंक उसका जो जितना भी आप किताब का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और नंबर भी डालूंगा वहाँ से भी मंगा सकते हैं, और आपके निजी बुक सेलर या बुक स्टोर पर भी किताबें अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप बोलेंगे किसी को, तो ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है मंगाना इनको, और मंगाइए, पढ़िए और इस पर फॉर्मूले बनाइए और ख़ुद प्रयोग कीजिए, और अपने पेशेंट्स को भी दीजिए जिनको आप देना चाहते हैं चाहे कोई भी हो, और ये 100% आपको सफलता प्रदान करेगी, इस किताब के फॉर्मूले 100% आपको कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त कराएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, अगली बार एक नई किताब नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। अब मुझे आगे दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।